तो गाइज इस वीडियो में आपको भाई कैसे खेलते हैं ये अमंग अस से सिखाऊंगा, और भाई मतलब कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जो मतलब प्रो प्लेयर यूज करते हैं। तो चलो भाई वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे बिल्कुल ही नए तो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, अपन को 100K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। और भाई इस वीडियो पे हम 1000 लाइक्स का एम टारगेट सेट करेंगे, तो फटाक से भाई लाइक करे बिना तो कहीं जाना ही मत भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो ठीक है। तो चलो भाई अपनी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं बेसिक रूल बता देता हूं, इसमें भाई आप 10 बंदे तक लगभग इस गेम में पूरा खेल सकते हैं, और वाईफाई पे खेल सकते हो आप मतलब लोकल वाईफाई में अगर आपके दोस्त आसपास ही रहते, नहीं तो आप ऑनलाइन मोड में खेल सकते हो। और भाई कंट्रोल के लिए दो चीजें, टच और जॉयस्टिक, में जॉयस्टिक यूज कर रहा हूं, जो आपका मन है आप सेटिंग में जाके चेंज कर ले। तो भाई ये गेम में मजे इसलिए आते हैं कि भाई इसमें आप ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते ठीक है। तो बस में ऐसा होता है कि भाई 10 बंदों में से दो इंपोस्टर हो सकते हैं, एक इंपोस्टर हो सकता है, फिर एक मतलब एक तीन इंपोस्टर हो सकते हैं। और भाई दो ग्रुप होते हैं, क्रू और एक इंपोस्टर। क्रू वालों का काम ये है कि नॉर्मल बंदे हैं ये, मतलब अपनी तरह आम आदमी है, इनको काम करना पड़ता है नॉर्मल शिप विप से रिलेटेड। अगर कोई डेड बॉडी जैसे किसी इंपोस्टर ने मार दिया हो किसी को तो रिपोर्ट करना पड़ता है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ अगर आपको पता चल गया कि किसने मारा है ठीक है। और इंपोस्टर का काम उल्टा उल्टा, मतलब कुछ ना कुछ नाक में दम करते रहना और भाई सबको मारते रहना, इनका ये वो रहता है टास्क ठीक है। ये इंपोस्टर का मैं आपको खेल के बताता हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। आप यहाँ पे एक होस्ट कर सकते हो अपना गेम, पब्लिक गेम ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो प्राइवेट गेम आप ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट के लिए पासवर्ड लगता है जो आपके दोस्त बताएंगे ठीक है। तो मैं तो पब्लिक गेम ज्वाइन करने वाला हूँ, और भाई जब आप इधर से इंपोस्टर का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई पहला गेम मत ज्वाइन करा करो, उसमें बहुत बार होता है कि मतलब ज्वाइन नहीं होता। तो मैं जो टॉप में 3 है थर्ड वाले पे ज्वाइन करोगे हमेशा आपको मैचिंग मिल जाएगी और सीधे आप गेम में आ जाओगे। तो गेम का इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा ठीक है, और आपका बंदा आप अपना जो नाम रखे होंगे वही होगा ठीक है। और अब आप यहाँ पे कुछ कंप्यूटर टाइप का, यहाँ से आप अपने ड्रेस पे मतलब अपना जो एवटार है उसको कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है। ये पैसों वाली चीज़ें आ जाती है इस गेम में भी, इसमें भी पैसों से काफ़ी चीज़ें आप खरीद सकते हैं ऑब्वियसली ठीक है। तो देखो अब गेम शुरू होगा, अब आपको बताया जाएगा कि भाई आप किस टीम में। तो भाई मैं बनाऊँ क्रूमेट ठीक है। क्रूमेट नॉर्मल जो बंदे आम आदमी वाला आपको मिशन रहते हैं। तो देखो मैं अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका मिशन क्या है। यहाँ पे है आपके मिशन, इधर है ठीक है। तो ये पूरा शिप का मैप है ठीक है। आपको ये मिशन करने इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा आपका जो टास्क बार है फिल नहीं होगा, और अगर आप मिशन नहीं करेंगे तो मतलब ऐसा है कि इंपोस्टर जीत जाएंगे, आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आप टास्क बार करते रहेंगे तो मतलब इंपोस्टर हारेंगे हर बार, लिख के ले लो, टीम वर्क वाला काम करना है आपको। तो ऐसे रहते, तो देखो इस भाई साहब ने अभी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। तो इमरजेंसी मीटिंग में डिस्कशन होता है, अगर आपको पता चल गया किसी ने मारा हो तो भाई ये ऐसा मतलब ये हॉर्न टाइप का बन के आएगा ठीक है, जो अगर उसने मीटिंग बुलाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो कि भाई इंपोस्टर आपको कैसे मार सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मिशन करने आया तो येल्लो वाला इंपोस्टर है, देखो इसने मुझे मार दिया ठीक है। मारने के बाद आपकी आत्मा बन जाएगी, मतलब आपका भूत यहाँ इधर उधर घूम सकता है, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते कि मर गए ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पीछे रेड ब्लिंक हो रहा है, दरअसल ये जो इंपोस्टर है उसने कुछ मतलब शिप में कुछ खराब कर दिया, सेबोटेज कर रखा है। तो देखो भाई डेड बॉडी रिपोर्ट कर दी उसने मेरी एक बंदे ने, तो ये ब्लू वाले ने रिपोर्ट करा है ठीक है। अब जो होगा आप चैट में किसी को बता नहीं सकते क्योंकि आप तो मर चुके हो, सिर्फ चैट में आप मरे वालों से बात कर सकते हो। और भाई मर के भी आपको लेकिन मिशन करने रहते हैं, क्योंकि अगर आप मिशन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इंपोस्टर जीत जाएगा। तो ये आप मर के यार ज़्यादा आसानी से मिशन कर सकते हो, क्योंकि भाई आप मतलब दीवार के आर पार जा सकते हो, ईजी रहता है देखो ठीक है। तो हमेशा आपको मिशन करते रहना है, लेकिन आप यार मरे वालों से ही बात कर सकते हो मरने के बाद ठीक है, ये नहीं कि आप मतलब नॉर्मल बता सको ठीक है। अब मैं आपको इंपोस्टर बन के दिखाता हूँ ठीक है। जैसे कि मैं अब इंपोस्टर बना हूँ, इंपोस्टर का काम, इंपोस्टर में मजा आता है भाई, मतलब छुपके छुपके आपको एक्टिंग करनी है कि मतलब आप मिशन कर रहे हो ठीक है। जैसे कि ये बंदा है आप इसको मार सकते हो, लेकिन आपका जो किल है ना उसमें काउंट डाउन आता है हमेशा ठीक है। तो जो नंबर दिख रहा है आपको राइट साइड के लेफ्ट में, वो नंबर आपको बताएगा कि आप कितनी देर किल कर सकते हो। और भाई आप वेंट के थ्रू भी आर पार जा सकते हो, जैसे मैं वेंट में घुस गया ठीक है, तो ये टेलीपोर्ट हो सकते हैं आप इधर से उधर शिप के
यूज करके, ये पावर रहती है इम्पोस्टर के पास, ठीक है, तो मजा आता है। और भाई आप दूसरे इम्पोस्टरों को भी दे सकते हो, इनका नाम रेड से लिख के आएगा, नॉर्मल बंदे का वाइट से, ठीक है। तो अभी तो अपन मार नहीं सकते क्योंकि अभी टाइम काउंटडाउन चल रहा है, तो देखो वरना मैं ये येलो वाला जो बंदा था इसको यहाँ पे अभी आके मार देता अगर वो काउंटडाउन जल्दी खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन आपको खुले में नहीं मारना है किसी को, वरना आप रिपोर्ट हो जाओगे और आपको शिप से ही फेंक देगा वरना, ठीक है। आपको मतलब सीक्रेटली दिमाग लगा के खेलना है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी किल करके दिखाता हूँ, तो अकेला बंदा है, मैंने इसे मार दिया सिंपली, कितने आसानी से मार दिया और हम जीत गए। तो ऐसे रहता है गेम में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई आगे जाके हम टिप्स और ट्रिक्स भी ला सकते हैं वीडियो में।